हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर शादी ब्लॉग। तो ये है मेरी छोटी बहन की शादी पार्ट 5। तो ये है मैरिज ब्लॉग, इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ कि शादी की टोटल रस्में और कैसी होगी। तो अभी हो चुका है शाम और हम सब निकल चुके हैं देव पूजन के लिए। देव पूजी होती है तो साथ में गाने बजाने हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, और देव पूजी होगी तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है हम लोगों को देव पूजन के लिए। लगभग 1.5-2 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, वहाँ पर देव पूजन होता है। तो हम लोग चलेंगे और वहाँ देव पूजन करेंगे, साथ ही साथ शादी की रस्में को देखेंगे। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे मैं बताते जाती हूँ आप लोगों को कि कैसे कैसे रस्में होंगी, क्या क्या होंगी। तो यहाँ फाइनली हम लोग लगभग पहुँचने ही वाले हैं मंदिर। तो इधर हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं और काफ़ी थोड़ा मतलब ज़्यादा शाम हो गया था, पूजा हो रहा है और इधर डीजे पे सब कोई डांस कर रहे हैं। और पूजा वूजा करने के बाद साथ ही समय हो गया वरमाला का। तो सॉरी, साथ ही बहुत ज़्यादा क्लिप में शूट नहीं कर पाई वरमाला का, तो जितना कर पाई आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये वरमाला का कुछ वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और ये मोमेंट पे मुझे बहुत हंसी आती है जब कैमरामैन एक से एक हरकतें करवाते हैं, नज़रों में देखिए, फूल दीजिए, माला पकड़िए। तो ये वाली तो अभी यही सब सीन चल रही है। तो यहाँ लगभग वरमाला हो चुकी है और सब खड़े हैं आसपास वरवधु को देखने के लिए, ग्रूम एंड ब्राइड को देखने के लिए। तो ये देखिए इधर की डेकोरेशन थी इस तरीके से। और ये फाइनली यहाँ वरमाला होने के बाद अब होगी घी ढराई, तो उसको भी मैं नहीं शूट कर पाई ज़्यादा। तो शायद सीधे अब शादी में लोग बैठेंगे, वहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मंडप पे आ चुका है दूल्हा और लड़की भी बैठ चुकी है मंडप पे। होगा शंख पानी होने के बाद सारी रस्में होंगी। तो सारी रस्में होने के बाद यहाँ पे फाइनली सिंदूरदान हो चुका है लड़की का, और ये सिंदूर पड़ चुका है। सिंदूर पड़ने के बाद कुछ कुछ रस्में होती है, सिंदूर झुलाई की रस्म। आप लोग की तरफ क्या क्या रस्में होती है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही ये लड़की को जेवर पहनाया जा रहा है, जो जेवर उधर से चढ़ता है शादी में मंडप पर, वो जेवर को उसको पहनाया जा रहा है। पहनाने के बाद अब थोड़ी देर के बाद विदाई होगी। तो विदाई की भी वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं रोने में व्यस्त थी, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी। बट आप वीडियो में बने रहिए और देखिए वीडियो आप लोगों को कैसी लगेगी, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ मेरी भाभी दुल्हन को पहनाते हुए सारे जेवर को, और दूल्हा बाबू बड़ा गौर से देखते हुए मेरी बहन को। तो चलिए आप वीडियो को एंजॉय करिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली ये जो ढोलना होता है शायद आप लोग की तरफ भी चढ़ता होगा, ये हमारे यहाँ नीडेड होती है, ये अपने से पहनाएगा लड़का। और इसका तो रो रो कर हालत ख़राब था हमारी बहन का। तो ये फाइनली सारे रिचुअल्स हो चुके हैं, अब होगी कुछ ही देर में और शादी होते थे, सुबह हो गई है तो थोड़ी देर में बिदागरी होगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।